हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कभी कभी होता है ना, एक अचानक से बहुत एक सॉन्ग का रिक्वेस्ट आना एकदम दुगना तिगना हो जाता है। तो ये वन उनमें से एक सॉन्ग है जिसका मेरे को बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा, और नहीं पता हम क्यों अभी तक किया नहीं, बट डेफिनेटली टाइम था। अभी रिसेंटली आया और पहले भी आ चुका था, तो सॉरी जो पहले रिक्वेस्ट किए थे, ये सॉन्ग का टाइम लग गया आने में। तो लेट्स गो, चेक आउट करते हैं। हाउस ऑफ कार्ड्स। ये ब्लैक ब्लैक क्यों है मेरा ये स्क्रीन? हेलो, वही तो आ गया। लेट्स गो। कलर कोटेड लिरिक्स है तो अपना थोड़ा फेस बड़ा ही रखते हैं। लेट्स गो गाइस। पियानो भाई, गुजबम्स आ गया भाई, एकदम मूवी वाला फील आ रहा है एकदम। स्टार्टिंग स्टार्टिंग भाई, रुको मेरा, हम तभी तो सो के उठे ना, मेरा आंख बिहेव कर रहा है जी भाई। मतलब वन ऑफ द डीपेस्ट मतलब सॉन्ग अभी तक का जितना सुने, लिरिकली जितना भी भाई, वोकल्स एक तो सबसे बड़ा, एकदम गूज़बम्स आ रहा मेरे को हर एक वर्ड के बाद, नहीं पता क्यों। वोकल्स प्लस लिरिक्स भाई, हमको पूरा सॉन्ग सुनना है। मतलब हमको पूरा अभी तक समझ नहीं चालू किया पूरा, अभी लिरिक्स एक्सप्लेन भी भाई समझना पड़ेगा एकदम। भाई हाउस मेड ऑफ कार्ड्स, मेड इट सिंपल। ये क्या भाई, जितना अभी भाई हम 50% सॉन्ग भी कंप्लीट नहीं हुआ, हम ये सॉन्ग मूवी में जाना डिजर्व करता है भाई। डेफिनेटली मूवी मूवी वर्दी सॉन्ग है। सॉन्ग का जो मेन मोटो है, हाउस ऑफ मेड ऑफ कार्ड्स, मतलब एक क्रम्बलिंग हाउस को वो सिंबलाइज करके पूरा ये कर रहा है। जो हम लोग जिनको एक बार कौन सा सॉन्ग में तो देखे थे, शायद कौन सा सॉन्ग में लिरिक किया था, शायद सॉन्ग का नाम बटरफ्लाई था, जिसने जिन बटरफ्लाई का एकदम हाउस ऑफ कार्ड बनाया था उस सॉन्ग में, एकदम कैमरा में देखा था। तो लिटरली वो मतलब फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहा था कैमरा में देख के। तो डेफिनेटली वो वाला फीलिंग इसमें आ रहा है कि वो उसमें कुछ जो हाउस ऑफ कार्ड है वो कुछ बड़ा सिंबलाइज करता है यहाँ पर, इस जो सॉन्ग है जिसमें ये लोग मेंशन कर रहे हैं। ये लोग कुछ
वो हाउस ऑफ कार्ड का मीनिंग वो लोग कुछ और में दिखाना चाह रहा है, पर हम कभी तक समझ में नहीं आया वो क्या चीज है। और भाई चारों का चारों वोकलिस्ट, भाई मेरा इज्जत बढ़ गया भाई आज यू लोग के लिए, जितना था भाई 10 to 2 हो गया। मतलब भाई ये सॉन्ग हम इमेजिन नहीं कर सकते भाई, बी साइड पे। बी साइड पे क्या भाई, वन ऑफ द लेस फेमस सॉन्ग में सही है ना, सॉन्ग बुरा नहीं है पर लेस फेमस सॉन्ग में से ये कैसे हो सकता है, हमको ये जानना भाई। यही यही सॉन्ग को इंटरनेशनल आर्टिस्ट निकालता है ना, बिलबोर्ड सब चीज़ में टॉप 1 1 1 1 रहता, कितना वीक के लिए प्रमोशन करते रहता भाई एक सॉन्ग लेके। ये लोग एक ये इतना मस्त सॉन्ग भाई इतना पीछे छोड़ के भाई चलो हम लोग मूव ऑन करते भाई। बहुत अभी मेरा दिमाग में ना ये सॉन्ग सुनने के बाद बहुत एक कॉन्फ्लिक्ट जाग गया है। एक अच्छा है, इतना अच्छा है तो इतना अच्छा है तो ये एकदम हिडन क्यों था, मेरे अंदर ये क्वेश्चन था। हाँ थैंक यू जी, मैं आई विल कम डाउन। स्टार प्लस भाई हमको तो जो गूज़बम्प्स आया हमको रोना आने रोने का मन कर रहा है, बट डेफिनेटली वो हम लोग करने वाले नहीं है। डेफिनेटली इसका लाइव वर्जन भी हमको चेकआउट करने के लिए बोला गया था, तो हमको ये लिंक भेजा गया था इस चीज़ का, तो हम ये चेकआउट कर रहे हैं क्योंकि हम बार बार बहुत बार तुम लोग मेरे को बाद में बोले ये वाला वीडियो नहीं, जब रिएक्ट करके जब अपलोड अपलोड हो जाता है ये वाला वीडियो नहीं करना था, तो वो चीज़ बहुत ऑड लगता है तब तो मेरे को कमेंट पढ़ने में, तो ऑब्वियसली लिंक मांग लेते हैं। तो तुम लोग अगर कुछ रिक्वेस्ट किया, अरे गाइस तुम लोग ग्रीन हार्ट डाल, कभी रिक्वेस्ट करते हैं ना कोई सॉन्ग तो ग्रीन हार्ट डालो, मेरे को इजी होता है, चल ग्रीन हार्ट दिख ही नहीं रहा है, तो डेफिनेटली चैनल को बहुत मेरे को मतलब जब हम तुमको अगर तुम्हारा रिक्वेस्ट पूरा कराना तो ग्रीन हार्ट एक तुम्हारा एक प्लस पॉइंट बन जाता है, क्योंकि जब हम कमेंट नीचे जाकर चेक करते हैं ना बहुत जन नाइस रिएक्शन ये सब भी बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी भेजता है, वो लोग से तुम अपना जो रिक्वेस्ट वाला कमेंट है वो मिक्स ना हो जाए, इसलिए हम ग्रीन हार्ट डालने बोलते हैं, जिससे हम ग्रीन हार्ट जब खोजे जब ग्रीन हार्ट देखे तो हम रुक जाए और देखे क्या रिक्वेस्टेड था। तो जब मतलब हम जैसा भी रिकॉर्ड करने के जब अपलोड होता है मेरा वीडियो तो वो हम सोए रहते हैं, तो वही एग्जांपल हो गया ना कि उठते हैं तो एकदम एक साथ कमेंट बहुत सारा रहता है, अगर हम जगे रहते फ़ोन चलाते रहते तो तुम लोग को रिप्लाई कर ही देते एकदम एग्जैक्ट टाइम पे। सो डेफिनेटली वही बात हो गया कि ग्रीन हार्ट डालो जब भी रिक्वेस्ट करते हो, हेल्प होता है। ओहो भाई इस सॉन्ग के लिए ऑडियंस इट डिजर्विंग है भाई, इतना बड़ा ऑडियंस और बड़ा होता हम भाई इस भाई ये सॉन्ग मास्टरपीस मैन। स्लो स्टार्ट So hard, 안 돼.
सॉन्ग में खो गए थे डेफिनेटली, मुझे भी ऐसा आया ना.내일이란 게 없듯이 잠이란 건 없듯이 지금 내게 눈앞에 너를 뺀 모든 게 지독히 캄캄한 어둠이지. 버릇처럼 말해 우린 결국엔 안 돼. 그래도 난 계속 바래 마지막 또 너와 함께라면 I'm okay. 이미 알고 있어도 멈출 수가 없었어. लिटरली मेरा आई टियरी हो गया ये सॉन्ग सुन के. भाई द परफेक्ट सॉन्ग डजंट एग्जिस्ट, द परफेक्ट सॉन्ग, ये मीम वाला रेफरेंस था. उफ, मेरे लिए भाई एक मतलब सॉन्ग का हाई डेफिनेशन सॉन्ग का भाई मेहनत वाला सॉन्ग का कोई डेफिनेशन होगा तो ये भाई हाउस ऑफ कार्ड वन ऑफ द माई मतलब ये बहुत ऊपर चल गया है. मतलब ये जॉनरा मेरे को एकदम पसंद भी नहीं है. ये जो होता है ना स्लो डाउन मूवी कैटेगरी का, हम पर्सनल टाइम में कभी सुनते भी नहीं है, हम तब पर भी इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं ये सॉन्ग कितना मतलब. भाई अब क्या ही बोले, बोलो सॉन्ग का भाई क्वालिटी, वोकल्स का जो क्वालिटी, हाई नोट्स दोनों जेमिन चंक दोनों साथ में हाई किया है भाई. ये हमको उस चीज़ का याद दिलाया जो वो था ना बॉय इन लव का, नहीं बॉय विथ लव का, कौन सा है अरे जो हाई स्कूल वाला सॉन्ग है वो वाला. से वट यू वॉन वो वाला, उसमें जिमिन अर्जन को साथ में हाई जाता है ना, इसमें भी गया. अब वी का भाई लो हाई एकदम ऊपर नीचे हो रहा है वी का जो टोन, ओहो गूज बम्स भाई. भाई जिन अपना पूरा एलिमेंट में है यहाँ पर, जो एकदम लाइट सॉफ्ट हाई वॉइस चाहिए एकदम, वो जिन प्रोवाइड कर रहा है भाई, जिनके लिए तो पहले भाई वो वहाँ पर मेरा रिस्पेक्ट बढ़ ही गया था. क्या बोलते हैं जो ST सुने थे हम लोग साथ में जिनका, अगर तुमने नहीं चेकआउट किया तो जाके चेकआउट कर सकते हो. इसमें भाई वो सेम टोन इसमें ले के आके भाई सॉन्ग को एलिवेट और कर रहा है जिन भाई, अप्रिशिएट करते हैं भाई इस सॉन्ग के लिए भाई, जो भी रिक्वेस्ट किया था थैंक यू. Take the
संसार भी छे। इतना टाइम के बाद एक सॉन्ग जो सुने ना वो भाई मेरे जॉन्ट्रा का मेरा मेरे को जो जॉन्ट्रा हमको जो पसंद है कि उनमें से एक भी नहीं है, बट वो जॉनरा का नहीं होते हुए भी वन ऑफ द बेस्ट। मज़ा आ गया भाई, सॉन्ग में कोई कमी नहीं था, जो डेफिनेटली कोई कोई सॉन्ग में बहुत ज़्यादा रहता है, कोई कोई बीट सॉन्ग का भी बात करते हैं तो कोई कोई सॉन्ग में एक रहता है कि कुछ कुछ मिसिंग, कुछ कुछ ये, कुछ कुछ एलिमेंट ज़्यादा लगता है, कुछ कुछ एलिमेंट कम लगता है, पर सॉन्ग अच्छा रहता है। बीटीएस का यही खासियत है। ये हाउस ऑफ कार्ड्स है, परफेक्ट सॉन्ग नाम कर देना चाहिए था। और परफेक्ट सॉन्ग का बात किए तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो जो खुला है उसका नाम क्या है, परफेक्ट मैन। ये चेकआउट नहीं करने वाले अभी तो, मैंने बहुत सारे रिक्वेस्ट लिस्ट पड़ा हुआ है तो थोड़ा टाइम लगा। अगर तुमको रिक्वेस्ट करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा आने में, फटाएगा। गाइज डेफिनेटली ग्रीन हार्ट डालो जब भी तुम लोग कुछ सजेस्ट करते हो कोई सॉन्ग, तो डेफिनेटली हेल्प होता है जब खोजते हैं हम रिकमेंडेशन वाला। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ऐसा सॉन्ग हम लाते रहेंगे और तुम लोग हमको बताते रहो और ऐसे ही हम लोग चलते रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और 500 सब्सक्राइबर होने ही वाला है, अगर तुम लोग कोई यहाँ पर है जो देख रहा है जो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो, डेफिनेटली चैनल को हेल्प होता है। तो अभी के लिए हम चलते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा गाइस।